दो दिन पहले मैं कोल्हापुर में था और कोल्हापुर का संपर्क प्रमुख या वहां की जो संगठनात्मक रचना है उसका जायजा लेने के लिए शिंदे साहब ने हमें भेजा था। 2004 के दरमियान मैं कोल्हापुर का संपर्क प्रमुख भी रहा था। उसके बाद वहां के 5 MLA हमारे चुन के आए थे, अच्छा खासा काम हुआ था, वहां की जो लोग थे खुश थे। जब कल मैं गया तभी उन्होंने मुझे बताया कि तभी संगठनात्मक थी रचना या पदाधिकारी बहुत अच्छा ढंग से संगठना वहां अपने मेहनत करके बनाई थी, लेकिन जब इलेक्शन आया तभी आपका ये टिकट कटवाया। और वहां एक दो ऐसे लोग थे कि जो मनोहर जोशी साहब को बहुत चाहते थे, उनके क्लास में पढ़ते थे और शादी होने के बाद एक दो औरत वहां वही मेले में थी। और उन्होंने ये पूछा कि भाई ये सारा हुआ, ये टिकट कटवाया या जो भी कुछ हुआ वो मातोश्री से हुआ, लेकिन तो फिर मनोहर जोशी के घर पे अटैक करना, उनको शिवाजी पार्क से मेले से भगा के मतलब भाषण करने के लिए नहीं देना, ये सारा क्या है मामला। तो मजबूरन मुझे बोलना पड़ा कि हकीकत जो हुई थी कि टिकट काटने के लिए, वैसे तो बाला साहब बहुत जन के टिकट काटते थे और काटने के लिए नेता को कोई तो प्लान करने का जरूरत नहीं होता है, वो कभी भी कैसा भी किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई आपको टिकट नहीं मिल सकता है, मैं दूसरे को दे सकता हूं। लेकिन यहां उद्धव जी ने जो किया वो बहुत गलत ढंग से टिकट काटा। मेरे यहां जो जनता थी उनको अगर सदा सर्वनकर उम्मीदवार नहीं है तो वो और किसी को वोट नहीं देने वाले थे, इस ढंग का वातावरण था, क्योंकि मैंने 5-7 साल 10 साल में काम किया था। तो उन्होंने एक अच्छा एक षड्यंत्र रचाया और मुझे मनोहर जोशी ने मुझे मेरी जो टिकट है वो कटवाई। ये उद्धव जी ने और हमारे जो वहां मिलिंद नार्वेकर थे उन्होंने, आपको ये सारा मोर्चा लेके उनके घर पे जाना पड़ेगा। जब हम लोग उनके घर के यहाँ आने के लिए निकले, करीबन 2-3-4 मिनट का ही टाइम हुआ था, तो संजय राउत जी का फोन आया कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनको बताना योग्य नहीं समझा कि मैं क्यों बताऊं उनको, उद्धव जी ने या मिलिंद जी ने मुझे जो बताया वो क्यों बोलूं। लेकिन उनको सारा पता था कि भाई आप मनोहर जोशी के घर पे जा रहे हैं और अगर घर पे जा रहे हैं तो उनको छोड़ो मत, बाजू में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल लेकर घर जला दो, उसका नाम भी मत रखो, ऐसा इस ढंग से आदेश दिए। उसके बाद हमारे जो सैनिक थे मैं वहां सबको बता दिया कि हमको जाना है मनोहर जोशी के घर पे। उन्होंने टिकट नहीं तो सारा अगर जितना भी गड़बड़ हुआ उन्होंने किया है तो उनके घर पे जाना चाहिए, और इस ढंग का मातोश्री का आदेश है तो अपने को पेट्रोल लेके उनके घर तक जाना चाहिए और घर चलाना चाहिए। ये सारी जो बातें थी वो टिकट कटवाने के लिए थी। और दूसरे दिन जब भी मैं गया तभी उसके पहले 2-2.5 बजे मुझे एक फोन आया था, जिस दिन ये घटना घड़ी कि मिलिंद नार्वेकर जी ने फोन किया था कि आपका टिकट तो फाइनल हो गया, आपको जो मातोश्री को जो चाहिए वो आपने कर दिया है तो आपका टिकट फाइनल हो गया, आप 11 बजे आ जाओ। मैं जब 11 बजे मातोश्री पे गया तभी उद्धव साहब अपने मिलिंद जी ये सारे उधर थे और उन्होंने मेरे सामने वो पेपर सामने रख दिया और बोल दिया कि भाई ये देखो क्या है। मैंने बोला ये सब, क्योंकि हर पेपर में न्यूज थी कि शिवसेना का जो ज्येष्ठ नेता है मनोहर जोशी उनके घर पे हमला सदा सर्वनकर और उनके जो सहयोगी शिवसैनिक है उन्होंने किया। तो बोला कि ये है, अभी आप चुन के कैसे आओगे। मैं बोला साहब आ जाऊंगा, मैं मेरे को अगर टिकट मिलती है तो। वो सीधे वहां से मुझे बोला कि नहीं आपको टिकट नहीं दे सकते, क्योंकि उनका प्लानिंग ही हुआ था कि आदेश बांदेकर को देना है और उन्होंने आदेश बांदेकर को टिकट दिया और उद्धव जी यहां से निकल गए। तो मेरा कहना यही था कि भाई अगर मेरा कुछ गलती था और टिकट नहीं देना है तो मुझे बोलना चाहिए था कि आपको नहीं दे रहे, इस ढंग से कोई कट कारस्थान में फंसा के। मनोहर जोशी मेरे गुरु जी थे, उनके ही हाथ के नीचे मैंने करीबन 30-35 साल काम किया, ऐसे आदमी का इस ढंग से कुछ अपमान करने के लिए बोलना और बाद में टिकट नहीं करके बोलना, ये षड्यंत्र था।
वही मैं वहां के जो कोल्हापुर के जो मेरे सहयोगी थे, क्योंकि 15 करीबन एक 20 साल पहला मैं वहां संपर्क प्रमुख था, और वो लोग में एक बातचीत थी कि भैया आप अच्छा काम किया था तो वहां आपके ऊपर अन्याय क्यों हुआ, और वहां के जो एमएलए है राजेश क्षीरसागर जी, उन्होंने बोला था कि हम लोग टिकट लेके आए लेकिन सदा सर्वनकर वहां 3 दिन मातोश्री के बाहर ही खड़े थे। ये सारी बात उन्होंने भाषण में बोली, तो मेरे को ये बात बोलना।